सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज तुहाडे वास्ते एक होर देसी नुस्खा लेके आए हां। जिवें किसे नूं जिवें कि अजकल दे बच्चे ओह फास्ट फूड खाई जांदे आ, रोटी नाल भुजिया खाण लग जांदे आ, उहनां नूं भुख नहीं लगदी। ज्यादातर आही शिकायत हुंदी आ वी भुख नहीं लगदी, सानूं भुख लगदी आ, खाधा नहीं जांदा, जी नहीं करदा, जां होर अंदर हजम नहीं हुंदी, रोटी लंघदी नहीं। उहनां वास्ते इह नुस्खा ते तुसीं लै के देखो, तुहानूं सारी वीडियो पाई हुई आ, ते पूरी वीडियो देखियो, बहुत वधिया नुस्खा अपनाया हुआ। मैं भी अपनाया ते मैं बना के भी दिता। जे किसी नूं तुसीं होर जानकारी लैनी है तां मेरे नाल संपर्क कर सकदे हो। थैंक यू। एक थोड़े वास्ते होर नुस्खा लैके आए देसी, जे किसी नूं भुख नहीं लगती तां आ जरूर अपना के देखियो। एक चमचा जीरे का ते एक गिलास पानी का पा के इस तरह उबाल लेना, इस तरीके नाल ठंडा कर लेना जीरे नूं पानी नूं। ते उस तो बाद च राएं कच्च दे गलास च इहनूं पौण लेना जीरे दे पानी नूं। ते पौण तो बाद जीरा विच छड दो पानी दा, जीरे दा असर पानी च रह जाणा। उस तो बाद च एक चुटकी काला नूण, एक चुटकी काली मिर्च, चुटकी चुटकी पाउनी है बस, इदू ज़्यादा नहीं। जे ज़्यादा पाओगे फिर टेस्ट भी होना मिठा सुटा ना, ज़्यादा पा लियो मुड़के एवं फिर औखे होंगे। चुटकी चुटकी मिठा मिठे सुटे की पानी है। तो बिच नींबू भी नचोड़ना, तुसी आपदे स्वाद अनुसार अद्धा नचोड़ना, अद्धा एक नचोड़ना, दो भी नचोड़ सकते हो, बस उस हिसाब नाल नचोड़ के गटा गट करके पी जाना। बस ये नुस्खा हफ्ता एक अजमा के देखो, हफ्ता की दो तीन दिन ही पता लग जाना। ये तो भुख ऐन लगती है तो मैं कहना आटा घर मुक जाया करना। चलो ठीक है जी, थैंक यू, ओके।